हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि आपका आने वाला यूपी टेट का एग्जाम है, उसके लिए मैंने आपका पर्यावरण के शॉर्ट नोट्स स्टार्ट कर रखे थे, तो उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका जैव विविधता हो गया, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो हो गया, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही पूछा जाता है। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक आप लिख सकते हो जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जो कि आपके पर्यावरण में जो भी आपकी चीजें लुप्त हो रही हैं, या वनस्पति हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का पशु या पक्षी हो गए, उनसे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ी जो संस्था उसमें से मानी जाती है वो माना जाता है आपका IUCN। इसकी फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ ली जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पर आपका नेचुरल देखने को मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म है। आखिर ये करता क्या है, इसके कार्य क्या है, इसकी मुख्यालय कहाँ है, सबके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो देखो, IUCN जो है उसका पहला, यानी ये जो पुराना नाम था वो IUPN था, ध्यान रखिएगा IUPN, अब उसका P की जगह C कर दिया है। जो पुराना नाम था इसका वो था इंटरनेशनल यूनियन फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, इसको पहले कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पुराना नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा अब इसको कंजर्वेशन कर दिया गया है, और पहले इसका बस क्या था, प्रोटेक्शन था। ओके, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1948 में की गई थी, लेकिन जो इसको वैधानिक नाम मिला था IUCN का, वो मिला था 1956 में, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये करता क्या है, तो सरल शाब्दिक शब्द में एक लाइन में कही जाए तो दुनिया में आपके जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या वनस्पति है जो लुप्त होने की कदार पर है या फिर लुप्त हो चुकी है, तो उनका ये पूरा का पूरा डाटा रखती है, उनके बारे में ये पूरा रिसर्च करती है। ओके, तो जिसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड ग्लैंड है, वहां पर एक जगह है ग्लैंड, तो वहां पर इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहां पर है। वैसे तो आपको ऑप्शन में स्विट्जरलैंड देखने को मिलेगा, लेकिन स्विट्जरलैंड में आपका ग्लैंड भी मिल जाए तो ध्यान रखिएगा वहां पर इसका मुख्यालय है। अब इसके बाद में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसकी, जो कि मैंने नोट करके लिख रखा है, तो ध्यान रखिएगा जो आपका IUCN जो होता है उसकी प्रत्येक चार साल में आपकी एक समिट होती है, एक बैठक आयोजित की जाती है जिसके बारे में उसके पूरी की पूरी चर्चा की जाती है कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें बचा कर रखना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर हमें जमे ज़्यादा टॉपिक पर बात करनी चाहिए। तो पूरी मीटिंग होती है, इनका समिट होता है जो कि चार साल में एक बार होता है, जो कि अगर भारत में की बात करी जाए तो 1969 में जो इसकी बैठक हुई थी वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा 1969 में जिसकी बैठक आयोजित की गई थी वो दिल्ली में की गई थी, और जबकि 2016 में जो इसकी बैठक हुई थी अभी रिसेंटली में वो हुई थी अमेरिका यूएस के अंदर, और जो नेक्स्ट बैठक होगी 2020 में वो होगी फ्रांस के अंदर। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप, मेरे को लगता नहीं है यहां से आपका कोई क्वेश्चन मिस होएगा। ओके, दिल्ली में जो बैठक हुई थी भारत के अंदर 1969 में हुई थी, अभी जो रिसेंट हुई है 2016 के अंदर वो ये यूएस अमेरिका के अंदर, और जो नेक्स्ट होगी 2020 में, क्योंकि हर चार साल में होती है, तो 2020 में जो होगी वो होगी फ्रांस के अंदर। ओके, तो ये थी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन IUCN की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेड डाटा बुक, या इसे आप इंग्लिश में बोलते हो और हिंदी में इसे लाल सूची भी कहा जाता है। ये क्या करती है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे वर्ग की सूची जो कि विलुप्त होने के कगार पर है या फिर विलुप्त हो चुकी है, उनके द्वारा यहाँ इस बुक के अंदर पूरा का पूरा प्रकाशित किया जाता है। और जो IUCN है, यानी कि यहाँ से आपका हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, IUCN हो गया, यहाँ पर होना अच्छा ये था IUCN। ओके, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप सही कर लीजिएगा, IUCN है, मिसप्रिंट हो गया यहां पर, तो IUCN जो है वो आपकी लाल सूची कहलाती है, यानी कि IUCN जो एक आपकी कमेटी है वही आपकी रेड डाटा बुक का निर्माण करती है, रेड डाटा बुक को उन्हीं के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1964 ईस्वी में IUCN ने एक बुक बनानी शुरू करी थी जिसका नाम ही क्या था, रेड डाटा बुक था, ध्यान रखिएगा 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जो बोल रहा हूं वो सुनिए, मैंने बोला इसकी शुरुआत की गई थी 1964 में बुक बनाने की, ठीक है, बुक बनाने की शुरुआत की गई थी 1964 में,
और जिसमें वह सब लिखा गया था जो कि प्रजाति खतरे में है या फिर गायब हो गई है या फिर गायब होने के खतरे पर है। तीनों में से किसी भी प्रकार की चीज़ उनके सामने प्रस्तुत होती है तो उन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर लिखा है, चाहे वो लिमिटेड है या फिर आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है या ख़त्म होने के कगार पर है, उन सभी चीज़ों के बारे में उसके अंदर लिखा जाता था। कहा जाए तो लाल सूची प्रणाली जो होती है उनके अनुसार 9 श्रेणियों में विभक्त किया गया है सभी चीज़ों को, और उन्हीं के अनुसार उनको प्रकाशित किया जाता है। कैसे? जैसे कि आपका विलुप्त हो चुके हैं जो वो, या फिर वन रूप से विलुप्त हो चुके हैं वो, या फिर गंभीर रूप से संकटपन है उनके ऊपर वो, या नष्ट होने योग्य है वो, या फिर नाजुक है जो वो, या फिर को जो कम जोखिम है वो, या फिर संकट मुख अपूर्ण आंकड़े हैं वो, या फिर मूल्यांकित नहीं किए जा सकते वो। तो इस प्रकार के आपके 9 प्रकार की प्रणालियों में, श्रेणियों में उन्हें विभक्त किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल सूची के अंदर जो आपके रखे जाते हैं उनको कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो 9 श्रेणियों में बांटा गया है। ओके, अब इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोला 1964 में बनानी शुरू करी थी, लेकिन पहली जो रेड डाटा बुक को इन्होंने प्रकाशित करा था वो करा था 1 जनवरी 1972 को। 1 जनवरी 1972 को रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन हुआ था, मतलब पहली उनकी बुक बनकर सामने आई थी। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से उस बुक को आप रीड आउट करके पढ़ सकते हो। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अब तक कुल कितने आपके रेड डाटा बुक आ चुके हैं, तो अब तक आपके 5 रेड डाटा बुक को प्रकाशित किया जा चुका है, जो कि कौन कौन सी है। देखो, प्रथम जो करी गई थी वो करी गई थी 1972 में, जो कि स्तनधारियों के ऊपर बात करी गई थी उसमें। दूसरी जो प्रकाशित की गई थी वो पक्षियों के बारे में थी। तीसरी जो करी गई थी वो करी गई थी मरुस्थलीय जो उभयचर होते हैं उनके बारे में। चौथी जो करी गई थी वो मछलियों के बारे में। और पांचवी जो करी गई थी वो पौधे और वनस्पतियों के बारे में करी गई थी। वैसे आपका यहाँ से क्वेश्चन अब तक पुटअप नहीं हुआ है, एज ए बस आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दी जो इन्होंने 5 बुक जारी करी थी वो कौन कौन सी बुक जारी करी थी। ओके, और वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ऐसे कितने जीव जंतु हैं जो कि विलुप्त आपके होने के कगार पर हैं या हो चुके हैं, या जो आपके पौधे जानवर जंतु जो भी हो जो प्रजाति खतरे के कगार पर है, तो 132 किसके अनुसार है, ये रेड डाटा बुक यानी कि IUCN के अनुसार कहा गया है कि भारत में गंभीर रूप से जो संकटकालीन प्रजातियां हैं वो 132 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हमारे भारत देश में ऐसे आपके पौधे जानवर प्रजाति ऐसी हैं जो कि 132 हैं, जो कि खतरे के कगार पर है, जो कि यह लुप्त हो चुकी हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है या फिर पूछे जाने के आगे भी चांसेस है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका आज का पहला टॉपिक, जैव विविधता, और देख सकते हो कहाँ कहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि की बात आई तो हमारा जो देश है यानी कि जो भारत है उस पर आधे से ज़्यादा भूमि पर आपको क्या देखने को मिलेगी? कृषि देखने को मिलेगी। अगर आप बुकों में पढ़ोगे, सर्च करोगे, तो अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग डाटा मिलेगा। कहीं पर आपको 51% दिखेगा, कहीं पर 54% दिखेगा, तो कहीं पर आपको 56% दिखेगा। लेकिन जो आपका एक्चुअल डाटा है, भारत की जितनी भूमि है उसके 51% पर भाग पर आपका कृषि की जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो भारत में 52% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। अब ध्यान रखिएगा, जो भारत की भूमि है उस पर 51% पर क्या की जाती है आपकी? वो की जाती है खेती। और भारत की जो श्रम शक्ति है वो श्रम शक्ति में आपका 52%, ध्यान रखिएगा, ये डाटा आपका पहले 49 point something कुछ था 2016-17 तक, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप करीब करीब 52% हो गया है। तो भारत में 52% श्रम शक्ति जो है वो कृषि पर आधारित है। और भारत देश के लिए राष्ट्रीय आय में विकास के लिए कृषि का विकास होना आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए जो दिन पर दिन आत्महत्या कर रहे थे कृषि यानी कि किसान, उनको जागरूक करने के लिए उनके लिए नई नई संस्थाएं खोली गई, उनके लिए नए नए फीचर्स खोले गए, उनके लिए नए नए लोन की प्रकृतियां लाई गई, जिनसे क्या हो गए, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। क्योंकि किसान रहेगा तभी हमारा देश तरक्की करेगा और आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी देश के लिए कृषि जो होती है वो नींव होती है उसकी। ओके,
जो कि आप भारत देख सकते हो, 51% क्षेत्र पर क्या होता है, कृषि होती है। बाकी बचे आपके 50 यानी ये 49% क्षेत्र, उसमें बाकी सारे उद्योग होते हैं। तो देख सकते हो कितना आधे से ज्यादा कृषि के ऊपर डिपेंडेड है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कृषि में यानी कि जो कि भारतीय कृषि होती है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आय यानी कि जो आपका GDP कहलाता है उसमें लगभग 16.6% की सहायता मिलती है भारतीय कृषि से। पहले ये आपका पॉइंट जो 2017 में था वो लगभग 14% के पास था, अब जो ये है वो बढ़कर आपका 16.6% हो चुका है। जो मैं आपको ये डाटा बता रहा हूँ वो अभी रिसेंटली के बता रहा हूँ, 2018-19 के। ओके, आप जब पेपर देने जाओगे तो उस समय आप देख लीजिएगा इनको, चाहे आप 2020 में दो, 21 में दो, डाटा ये धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। तो भारतीय 52% श्रम शक्ति है कृषि के अंदर, और भारतीय कृषि यानी कि जो भारतीय कृषि है वो GDP के अंदर अपना 16.6% संयोग देती है, सहायता मिलती है। इसलिए प्रारंभ में किसी की विकास के लिए यानी कि जो आपकी खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है, उसके विकास के लिए भारत सरकार की तरफ से दो संस्थाएं जो कि आपका RRB और NABARDA की स्थापना की गई थी। अब ये दोनों क्या है, तो पहले जो RRB है इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, रीजनल रूरल बैंक, और NABARDA जो था वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए इन दोनों को खोला गया था। लेकिन ये दोनों के दोनों राष्ट्रीयकृत नहीं थे, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों जो गए थे वो खोले तो भारत सरकार की तरफ से गए थे, लेकिन वो नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकृत नहीं थे। ये जो थे आपके भारतीय कृषि के लिए क्या कर रहा था, योगदान दे रहे थे उनकी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो तो हो गया आपकी नॉर्मल बात जो कि भारत कृषि के लिए आपको जाननी चाहिए थी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो है वो मुख्य चार फसल की प्रकार की फसलें उगाई जाती है। वैसे तो मुख्य तीन प्रकार की फसलें हैं, लेकिन आपका आजकल जो है भारतीय कृषि जो है वो चौथी प्रकार की भी फसल का इस्तेमाल करने जा रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य तीन प्रकार के बारे में, और चौथी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो आज तक आपने पढ़ा भी होगा जैसे कि खरीफ की फसलें होंगी, रबी की फसलें होंगी, जायद की फसलें होंगी या नगद फसलें होंगी। लेकिन आप इनको जितनी बार भी पढ़ लो लेकिन आपको कंफ्यूजन हमेशा ही क्रिएट रहेगा। लेकिन मैं आपको एक एवरग्रीन तरीका आज बताऊंगा जहां से अगर आपके मन में कहीं पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप छूटते ही उसका आंसर लगा लोगे। और वीडियो के एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ऐड कर रखी है, उनको जरूर लगा के देखिएगा कि अब तक आपको कितना समझ में आया है। तो जैसे कि आप, मैंने आपको बोला हम पहले मुख्य तीन प्रकार के बारे में बात करेंगे, तो आप डाटा में देख सकते हो तीन प्रकार की फसलें बता रखी है मैंने आपको। पहले बता रखी है खरीफ की फसलें। अब ये खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए खरीफ की फसलें जो होती हैं वो जून जुलाई के मंथ में बोई जाती है। कब बोई जाती हैं, जब आपका मानसून आता है, इसलिए इनको मानसून फसलें भी कहा जाता है। ओके, तो जून जुलाई के आसपास इसको बोई जाती है, और उसके 5 से 6 महीने यानी कि अक्टूबर नवंबर के पास इसको काट लिया जाता है। जो फसल बोई जाएंगी वो अधिकतर 5 से 6 महीने के भीतर भीतर काट ली जाती हैं। जैसे कि खरीफ की फसलें देख सकते हो जून जुलाई में आपकी बोई जाती हैं और काटी जाती है उसके 5 से 6 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर के आसपास। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो आप देख सकते हो चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, ये सारे के सारे कौन सी फसलें हैं, ये वो आपकी फसलें हैं जो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। अब यहाँ पर इसको ट्रिक के माध्यम से अगर याद करने की कोशिश करें तो आप ट्रिक देखिएगा, लाखों प्रकार की इसकी ट्रिकें हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको अनऑथेंटिक जो आपके शब्द होते हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए वो पूरे के पूरे फालतू के शब्दों को याद रखने से पहले मैं आपको एक अभी बताऊंगा एक एवरग्रीन तरीका, आप उसको अब अगर याद कर लोगे ना यानी कि माइंड में बिठा लोगे तो आपको हमेशा वो याद रहेंगी। ओके, पहले पढ़ लेते हैं खरीफ फसलों के बाद हम बात करेंगे रावी की फसलों के बारे में बात, जायद फसलों के बाद में हम बात में बात करेंगे क्योंकि ये बीच में है, बीच की बात मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है। देखो रावी की फसलें जो होती हैं वो आपके जैसे कि खरीफ की फसलें काट ली जाती हैं, काटने के बाद खेत तो खाली रहेंगे नहीं, तो खाली रहने ना रहने के लिए उनके लिए रावी की फसलें बोई जाती हैं। ओके, तो ये इन्हें आप अधिकतर विंटर क्रॉप भी कहते हो। कब बोई जाती हैं, तो ये अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती हैं और उनसे 5 से 6 महीने बाद काट ली जाती है यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास काट ली जाती हैं। पूछे जाए कौन कौन सी होती है आपकी रावी की फसलें, तो गेहूं, सरसों, मटर, चना, ये कौन सी होगी आपकी रावी की फसलें हो गई। अब देखो इन दोनों को ध्यान में रखने के लिए क्या आपकी ट्रिक है, तो देखो इन दोनों को ध्यान रखने के लिए कि कब बोई जाती है कब काटी जाती है, तो देखो जब भी आप आ से अनार, आ से आम ऐसे लिखते हो तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, आ आ ई ई का खा गा, उसमें आपका क्या आता है, वो आता है पहले आपका खा।
खाएगा तो खरीफ की फसलें जो होंगी वो पहले बोई जाएंगी। खा क्योंकि पहले आएंगी, तो आप जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए खरीफ मतलब पहले बोई जाएंगी साल में। तो साल में पहला आपका कब आएगा, अक्टूबर नवंबर आएगा कि जून जुलाई आएगा? तो बिल्कुल अफकोर्स सी बात है जून जुलाई आएगा, क्योंकि इसे वसंत फसलें भी कहा जाता है, मानसून क्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि मानसून के आसपास इसको बोया जाता है। तो जून जुलाई के आसपास बोया जाता है और उसके 5 से 6 महीने बाद उसको काट लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला अक्टूबर नवंबर के आसपास इसको काट लिया जाता है। एवरग्रीन तरीका है, खा पहले आएगा तो रोपी आपकी बोई भी जाएंगी पहले। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका मानसून आ जाता है। और खा से ही आपका एक शब्द आता है खराब। अधिकतर खराब चीज़ें कब होती हैं? जब नमी ज़्यादा हो जाती है। जब नमी ज़्यादा हो जाती है तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। नमी को दूर रखने के लिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको ड्राई रखता है, ठंडा रखता है। तो नमी कब आएगी आपकी? जब पानी होगा। पानी कब होता है? मानसून में होता है। तो आप उस तरीके से भी याद रख सकते हो इसको। ओके, अब जैसे ही फसलें काट ली जाती हैं वो उसके बाद बोई जाती हैं आपके 5 से 6 महीने बाद रावी की फसलें। जैसे अक्टूबर नवंबर में कट गई खरीफ की फसलें, अब अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। अब देखो इसे याद रखने के लिए क्या है, तो देखो याद रखने के लिए आपको तरीका तो पता लग गया कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। अब फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो गेहूं, सरसों, मटर और चना, ये ऐसी फसलें हैं जो आपके रावी की फसलों में आएंगी, जो कि आपके मानसून यानी कि आप विंटर क्रॉप भी इन्हें कह सकते हो। गेहूं, सरसों, मटर और चना, इन चार को ध्यान रखिएगा। अधिकतर आपका जो पूछा जाता है गेहूं और सरसों से पूछा जाता है, मटर और चना भी ध्यान रखने की आपको ध्यान नहीं जरूरी नहीं है। दो फसल तो आप ध्यान रख सकते हो, बाकी जितनी भी फसल बची वो खरीफ की फसलों में डाल दो आप। चाहे वो चावल हो, सोयाबीन हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, कपास हो, गन्ना हो, कुछ भी हो, वो सारे आप खरीफ की फसलों में डाल दो। ओके, अब बात कर लेते हैं जायद की फसलें। अब देखो जायद की फसलों को मैंने इन दोनों के बीच में क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो फसलें होते हैं वो इन दोनों के बीच के समय में बोई जाती है, जो कि इनकी बोने का समय जो होता है वो मई जून के आसपास होता है। जैसे कि देखो खरीफ की फसलें जो होती है वो जून जुलाई के आसपास होती है, और जायद की फसलें भी इसी समय के आसपास बोई जाती हैं, मई जून के आसपास। और काट कब ली जाती हैं, तो उससे ज़्यादा समय नहीं लगता, 2 से 3 महीने लगता है, जैसे कि मई जून जुलाई अगस्त के आसपास काट ली जाती है, इसलिए मैंने इसको बीच में रखा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा जायद की फसलें वो मई जून के आसपास बोई जाती हैं और जो कि आपकी जून जुलाई के आसपास काट ली जाती है। देखिए जा से क्या हो जाता है आपका जायद, और जा से क्या हो जाता है जल्दी, तो जल्दी बोई जाती है और जल्दी काट ली जाती हैं। तो मई जून में बोई जाएंगी, और क्यों? क्योंकि जून जुलाई के आसपास मानसून आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, फसल खराब हो सकती है। तो खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से इसे काट लेते हैं। ओके, तो जा से जायद हो गया और जा से जल्दी हो गया, तो उस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो मई जून में बोई जाती है और इन दोनों के बीच में बोई जाती है। ओके, ये तो हो गया आपको ध्यान में रखने की बात। अब बात कर लेते हैं कि इनमें फसलें कौन सी बोई जाती हैं। बहुत सिंपल तरीका है। देखो अगर आप कहीं पर भी दिल्ली में यानी कि इंडिया में रहते हो, भारत में रहते हो, फॉर एग्जांपल ऊपर के स्टेटों को छोड़कर आप नीचे की तरफ रहते हो, तो मई जून जुलाई अगस्त ये 3-4 महीने जो होते हैं एकदम सड़ी गर्मी के होते हैं। आप सभी को पता है, चाहे आप यूपी में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, कहीं पर भी हो, दिल्ली में आप कहीं पर भी देख लो, मई जून जुलाई अगस्त ये 3-4 महीने जो होते हैं, अगस्त के आसपास तो फिर भी बारिश आ जाती है, लेकिन मई जून जुलाई जो होते हैं इतनी सड़ी गर्मी होती है कि पूछो। तो सड़ी गर्मियों को दूर करने के लिए हम क्या खाते हैं अधिकतर, या तो देखो फसलों में तरबूज खाएंगे, खीरा खाएंगे, खरबूजा खाएंगे, ककड़ी खाएंगे। यानी कि जब आपकी सड़ी गर्मी पड़ रही होती है तो उस टाइम कुदरत का करिश्मा देखो कि उस टाइम ऐसे फसल बोए, ऐसे फसल उगते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है। तरबूज ले लो, खीरा ले लो, खरबूजा ले लो, ककड़ी ले लो, भरपूर मात्रा में इनके अंदर पानी पाया जाता है। ओके, तो आप जब सड़ी गर्मी पड़ रही होती है तो हम पसीने की तरह बहाते हैं पानी को, उसकी पूर्ति करने के लिए हम इन फसलों को खाते हैं। तो देख सकते हो आप, इस चीज़ से आप ध्यान रख सकते हो कि जो आपके जायद की फसलें होती हैं उनमें भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है। बस दो चीज़ ध्यान रखिएगा, एक मूंग और एक उड़द, ये जो दो फसलें हैं वो भी आपके जायद की फसलों के अंदर आता है। ओके, तो ये सिंपल वे था आपके फसलों को याद रखने का तरीका। 4 प्रकार के बताए थे, 3 तो मैंने आपको बता दिए, खरीफ, जायद और रवि। चलिए चौथे प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। चौथी फसल होगी आपकी नगदी फसल। अब ये नगदी फसल क्या होता है, तो देखो नगद,
नगदी नगद एक तरीके से सेम चीज है, मतलब कोई सामान लिया तो हमने उसके पैसे लिए या दिए, नगद में सारा का सारा सौदा होता है। उसी प्रकार से जो फसल होती है वो केवल केवल व्यापार के लिए किया जाता है, पैसे कमाने के लिए किया जाता है, एज ए आप बोल सकते हो कृषि के लिए इनकम का सोर्स ही होता है। तो आप सरल शाब्दिक शब्द में कहा जाए तो वह फसल जो व्यापारी कृषि के फलस्वरूप व्यापार के लिए किया जाता है, मतलब व्यापार के लिए अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अब जो कृषि होता है वो इस्तेमाल करता है, जो फार्मर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, उनको ये क्या कहा जाता है, नगदी फसल। अब ये इनके अंदर आपके वो फसल होते हैं अधिकतर जिनको देकर पैसा कमाया जाता है तुरंत, जैसे कि कपास हो गया, गन्ना यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, तो कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, गरम मसाले जो कि केरल राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रबड़ हो गया, तो रबड़ देख लो, रबड़ भी क्या आपकी नगदी फसल के अंदर है। तो ये कुछ एग्जांपल थे आपके जो कि नगदी फसल के अंदर आते हैं, जो कि आपके नगदी फसल यानी कि पैसे के लिए इनको बोया जाता है। ओके, तो ये दो टॉपिक आपको आज करवाने थे, जो कि पहला आपका था जैव विविधता और दूसरा आपका भारतीय कृषि। ये दो इंपॉर्टेंट आपके ऐसे टॉपिक है जहां से आपके यूपी टेट एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठाकर देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा यहां से क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको ये पहले डिटेल में भी करवाया था और आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ भी करवाया। अगर आपने पहले देखी थी तो आज आपकी रिविजन हो गई होगी, अगर नहीं देखी होगी तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चंस आपके कहां से पूछे जा सकते हैं और वो आपकी तैयारी कितनी है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या किसी भी प्रकार का आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, मैं आपके सभी मैसेज को रीड आउट जरूर करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।